हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपी विद नवीद में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपको अपने एक नए पेशेंट से मिलाने जा रहे हैं। ये सबसे पहले आपको अपना नाम बताएंगे, अपनी एज बताएंगे, उसके बाद जो इनको प्रॉब्लम थी और कब से थी, क्या क्या थी, और उसके बाद इन्होंने कौन से ट्रीटमेंट्स लिए, उसमें इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उनको उससे अपना बेनिफिट्स मिले या नहीं मिले, परमानेंट सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, ये बारे में अपना हिस्ट्री बताएंगी। और उसके बाद जब हमारे पास इन्होंने आके न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया, उसमें उनके बाद का क्या एक्सपीरियंस था या परमानेंट सॉल्यूशन था या नहीं था, वो आपसे ये शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका नाम बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, आपका नाम और आपकी एज क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है, मेरी एज 24 ईयर है और मुझे गैस एसिडिटी अल्सर की प्रॉब्लम थी और पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, आंतों में मैदे पे स्वेलिंग थी और मैं 10 साल से मुझे ये बीमारी थी। यहाँ आने से पहले मेरी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि मैं चल नहीं पाती थी, दो कदम भी नहीं चला जाता था मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पैदल आती हूँ पैदल जाती हूँ और यहाँ आकर मुझे पहले दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो गया था और पहली सीटिंग में ही मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। 8 दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये बताइएगा, जैसे आपने बताया है कि करके आपको ये प्रॉब्लम 10 साल से थी, जी तो 10 साल से आपको प्रॉब्लम थी, क्या इसके बीच आपने 10 साल में कोई ट्रीटमेंट्स लिए या नहीं? जी 4 साल से रेगुलर मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, मैंने बिजनौर, मुरादाबाद, दिल्ली सब जगह दिखाया जी। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब ट्राई किए लेकिन जी। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब रिलीफ ही नहीं मिला आपको, ये कहना चाह रहे हो, या थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था? परमानेंट रिलीफ नहीं मिला, थोड़ा बहुत फिर ऐसे ही हो जाता था। अच्छा, मतलब कहने का कि आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है उसको आपने लिया, तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चला तो जब तक आपको रिलीफ रहा, और जहाँ आपका ट्रीटमेंट आपने ड्रॉप किया जी वहीं फिर आपकी कंडीशन एज यूजुअल हो गई जी। और फिर बाद में तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी दवाई ले लेती कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको आराम हो जाता था जी, और फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद अपना वो मेडिसिन चलने के बावजूद भी आपकी तबीयत मतलब संभलती नहीं थी, ये कहना चाह रहे जी जी। फिर जब आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, आपने जब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। पहले मुझे लगता था मुझे कोई मतलब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैं दवाइयाँ खा के थक गई थी, मुझे लगता था मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट लिया है और बताए गए सभी रूल्स को फॉलो किया है, इसलिए मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा, तो आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे कि करके ये जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, अगर किसी को जैसे आपने बताया कि आपको अल्सर का भी प्रॉब्लम था, म्यूकस आता था स्टूल के अंदर और स्वेलिंग थी पूरी बॉडी के अंदर, भूख नहीं लगती थी और अगर कुछ खा लेती थी तो आपको मतलब गैस्ट्रिक का इश्यू हो जाता था, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती थी, वीकनेस रहती थी आपको, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको थी, आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद आपको ये अपना सब कुछ प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है जी। तो अगर किसी पर्सन को, कोई लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, अगर उसको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा हो और वो भी थक चुका हो, तो क्या उसको इस न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे कि उसको लेना चाहिए नहीं लेना? बिल्कुल लेना चाहिए, मैं तो सभी से कहना चाहूंगी कि आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, दवाइयों पे बिल्कुल ना रहें, दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। तो अब ये बताइएगा कि करके हमारे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को, जो ट्रीटमेंट लिया आप, उससे कितना सेटिस्फाई हो? मुझे 100% रिजल्ट मिला है तो मैं 100%। ओके, थैंक यू वेरी मच निदा, आपने अपना कितनी टाइम देके अपना फीडबैक अपने दिया और हमारे जो व्यूवर्स है आपने उनको भी अवेयर किया है, और जो इस तरीके के प्रॉब्लम से अपना सफर कर रहे हैं कि वो भी आपके अपना व्यूज को देख के, आपके फीडबैक को देख के वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से वेट डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है आपको, या साइटिका का प्रॉब्लम होता है, या नी का पेन रहता है आपको कंटिन्यूअसली, या सेक्रल का प्रॉब्लम है, या थोरासिस का प्रॉब्लम है, या माइग्रेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको है, तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से परमानेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इवन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू।